सो हे गाइस, दिस इज रोहित और आज के वीडियो होने वाला है फिर से दो ब्लूटूथ स्पीकर के ऊपर। यहाँ पर है, एक है बोट ब्रांड की तरफ से आता है और दूसरा जो है ये आता है प्रोट्रॉनिक्स ब्रांड की तरफ से। दोनों जो ब्लूटूथ स्पीकर है प्राइस थोड़ा सा अलग है, यानी कि इसका प्राइस आपको 900 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा और इसका प्राइस अगर अभी चेक करते हो तो 1000 रुपये इसका प्राइस अभी हो चुका है। तो यहाँ प्राइस का डिफरेंस 100 रुपीज का है, लेकिन यहाँ पे साउंड क्वालिटी टोटली डिफरेंस होने वाला है, बैटरी लाइफ दोनों का अलग अलग होने वाला है, बिल्ड क्वालिटी भी अलग है। और गाइस, ये जो दोनों ब्लूटूथ स्पीकर है ये दोनों लेटेस्ट लॉन्च है, देखेंगे सारा चीज कि आपको इसमें से कौन सा लेना चाहिए। ओके, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इन्वेंशन डिस्ट्रॉय को सब्सक्राइब नहीं किया यार, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो देख लेते हैं सारी चीजें इसी वीडियो में, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं बोट के ब्लूटूथ स्पीकर का। तो सबसे पहले सील यहां से हटाना है एंड जस्ट कुछ इस तरह से फटाफट इसे भी अनबॉक्स कर लेते हैं, प्रोटोनिक्स का जो आता है। ओके, तो अनबॉक्स करने के बाद साइड बाय साइड देख लेते हैं आपको बॉक्स कंटेंट में क्या क्या देखने को मिलता है। तो बोट में आपको सबसे पहले एक ब्लूटूथ स्पीकर जो कि रेड कलर में है, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से ये बोट का स्पीकर है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सबसे पहले चार्जिंग केबल, इसी के साथ यहाँ पे आपको ऑक्स केबल भी दिया गया है। और इसके बाद आपको यहाँ बोट का एक कैटलॉग देखने को मिल जाता है और इसका यूजर मैनुअल इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इसके बाद अगर हम प्रोट्रॉनिक्स का देखें तो आपको सबसे पहले यूजर मैनुअल देखने को मिलता है, इसके बाद आपको एक स्ट्रिप एक देखने को मिल जाता है और इसके बाद आपको एक चार्जिंग केबल जो कि माइक्रो यूएसबी केबल है और इसके बाद आपको एक प्रोट्रॉनिक्स का यहाँ पे वारंटी रजिस्ट्रेशन का कार्ड देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको 1 ईयर का वारंटी देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद कुछ इस तरह से इसको भी निकाल लेते हैं स्पीकर को। ओके गाइस, तो सबसे पहले सभी को साइड करते हैं और फोकस करते हैं ब्लूटूथ स्पीकर के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों ब्लूटूथ स्पीकर के बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले बोट का डिजाइन देख लेते हैं। डिजाइन के मामले में बोट काफ़ी अच्छा दिख रहा है, रेड कलर का है, ऑरेंज कलर बैक साइड में है। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ऊपर के साइड में आपको बोट का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। स्ट्रिप यहाँ पे दिया गया जो कि काफ़ी हेवी है, अपने बैग वगैरह में इसे आप लगा सकते हो, बैक साइड में कुछ नहीं है। एंड इसके बाद अगर आप साइड में देखते हो तो आपको यहाँ पे सारा फंक्शन बटन वगैरह दे दिया गया है, जिसमें पावर बटन दे दिया गया है। इसी के साथ यहाँ पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल देखने को मिल जाता है और प्ले पॉज वगैरह आप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन एलईडी लाइट है और इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ पोर्ट वगैरह देखने को मिल जाता है जो कि एक चार्जिंग पोर्ट है और दूसरा यहाँ पे ऑक्स के लिए यहाँ पे पोर्ट दिया गया है, लेकिन इसमें आपको ऑक्स केबल नहीं मिलता है तो ये मुझे एक ड्रॉबैक लगा इसमें। तो यहाँ पे आपको इनबिल्ट माइक दे दिया गया है तो आप हैंड फ्री कॉलिंग वगैरह कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है और बहुत ही कॉम्पैक्ट डिजाइन है और आई थिंक थोड़ा सा लाइट वेट भी है ये। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं प्रोट्रॉनिक्स के बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पे आपको सामने के तरफ में स्पीकर ग्रिल जो कि एक मेटल का दिया गया है और ऊपर के साइड में आपको प्रोट्रॉनिक्स का लोगो देखने को मिल जाता है। बैक साइड में आपको बहुत ही अच्छा से यहाँ पे मैट फिनिश दिया गया है। नीचे की साइड में आपको किसी भी तरह का ग्रिपिंग देखने को नहीं मिलता है, तो एक ये भी ड्रॉबैक है इसका क्योंकि ये गिर भी सकता है अगर आप किसी भी सरफेस पर रखते हो, लेकिन इसमें आपको देखने को थोड़ा सा मिल जाता है, बट ये भी प्लास्टिक का ही है तो ये भी उतना यूजफुल नहीं है, यानी ये भी गिर सकता है। अगर बात करें प्रोट्रॉनिक्स के फंक्शन बटन के बारे में तो आपको पावर ऑन के लिए बटन मिल जाता है, नोटिफिकेशन एलईडी लाइट, म्यूजिक को आप कंट्रोल कर सकते हो, प्ले पॉज वगैरह सारा चीज कर सकते हो, इनबिल्ट माइक्रोफोन भी दिया गया है। यहाँ पोर्ट का बात करें प्रोट्रॉनिक्स का तो आपको इसमें यूएसबी जो पेन ड्राइव होता है उससे म्यूजिक आप प्ले वगैरह कर सकते हो, चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है और यहाँ पर भी आपको एक एलईडी लाइट देखने को मिल जाता है। इसके बाद आई थिंक इसमें और कुछ नहीं है। यहाँ पे दोनों का जो बिल्ड एंड डिजाइन लिटरली बताऊँ तो दोनों का काफ़ी अच्छा है। तो चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं दोनों के साउंड क्वालिटी के बारे में। यहाँ पे साउंड थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, इसका जो साउंड है बोट का आपको ट्रैवल बेस एंड वोकल सारा इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से बैलेंस किया गया है और आपको एक डिसेंट लेवल का साउंड आपको सुनने को मिलेगा। यहीं पे प्रोट्रॉनिक्स का जो साउंड है थोड़ा सा बेस यहाँ पे ज़्यादा है, बट ट्रैवल एंड वोकल यहाँ पे थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू बेस। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस साउंड नहीं है, बेस आपको ज़्यादा सुनने को मिलेगा, यानी ऐसा लगेगा कि इसका जो बूफर है काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है। तो ये इसमें एक मुझे ऐसे मुझे बेस ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मुझे इसका साउंड ज़्यादा अच्छा लगा है। अगर आपको बैलेंस साउंड अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपके लिए बोट का जो साउंड है आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। ये जो दोनों स्पीकर है ये दोनों 5 वाट आउटपुट के साथ आता है। ओके, चलिए गाइस, अब बात करते हैं दोनों ब्लूटूथ स्पीकर के बैटरी लाइफ के बारे में। तो बैटरी लाइफ आपको बता दूं थोड़ा डिटेल्स में, तो यहाँ पे बोट का जो बैटरी है इसमें आपको 800 मिली एम्पियर का बैटरी देखने को मिलता है, प्रोट्रॉनिक्स में आपको 2000 मिली एम्पियर का बैटरी देखने को मिलता है। अगर आप बोट के स्पीकर को 50% पे रखते हो तो कंपनी क्लेम करती है कि ये आपको 10 घंटे का बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगा, बट ऐसे मैं इसे यूज किया हूँ तो मुझे लगभग 7 से 8 घंटे का ही देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर प्रोट्रॉनिक्स का बात करें तो ये आपको लगभग 8 से 9 घंटे का
बैटरी बैकअप आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक घंटे का ही अंतर होता है अगर आप 50% वॉल्यूम रखते हो तो। अगर यहीं पे वॉल्यूम अगर आप 80-100% कर देते हो तो बोट का बैटरी 6-7 आवर्स आपको देखने को मिलेगा, और यहीं पे पोर्ट्रॉनिक्स का वॉल्यूम अगर आप 80-100% कर देते हो तो आपको 7-8 घंटे का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक घंटे का मुझे डिफरेंस दिखा है दोनों ब्लूटूथ स्पीकर में। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉबैक लग रहा है, अगर 2000 mAh बैटरी दिया है पोर्ट्रॉनिक्स ने तो इसका ज़्यादा देर चलना चाहिए एज कम्पेयर टू 800 mAh बैटरी के। तो यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉबैक मुझे पोर्ट्रॉनिक्स का लगा है। ओके, तो चलिए गाइज अब बात करते हैं दोनों ब्लूटूथ स्पीकर के फीचर के बारे में। तो दोनों जो स्पीकर ये आता है ब्लूटूथ 5.0 पे, और दोनों का जो कनेक्टिविटी रेंज होने वाला है 10 मीटर का होने वाला है। और दोनों जो ब्लूटूथ स्पीकर है ये iOS प्लस एंड्रॉयड के साथ कंपैटिबल है, तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। गाइज यहाँ पे बोट में आपको IPX7 देखने को मिलता है, तो ये डस्ट प्रूफ है, प्लस में ये वाटर प्रूफ भी है, यानी वाटर प्रूफ नहीं बोल सकते बट ज़्यादा हेवी रेन में भी आप इसका यूज कर सकते हो। अगर आपके बैकपैक में लगा हुआ है फिर भी किसी भी तरह का आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा, बट यहीं पे अगर आप पोर्ट्रॉनिक्स को पानी में भिगाते हो तो ये ख़राब हो सकता है। ओके, और दोनों जो स्पीकर है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, दोनों TWS मोड में आता है, यानी कि अगर आपके पास एक और बोट का स्पीकर है तो दोनों एक साथ आप कनेक्ट करके बजा सकते हो। सेम गोज फॉर पोर्ट्रॉनिक्स, आप इसको भी बजा सकते हो अगर आपके पास दो पोर्ट्रॉनिक्स का स्पीकर है तो काफ़ी अच्छा आपको साउंड, स्टूडियो साउंड वगैरह का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ओके, तो अब गाइज मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूं आपको इस दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं साउंड के बारे में। तो साउंड ओवरऑल मुझे जहां तक लगा है पोर्ट्रॉनिक्स का बेटर लगा है, बैटरी लाइफ भी पोर्ट्रॉनिक्स का ज्यादा बेटर है, प्लस में इसमें आपको IPX7 देखने को नहीं मिलता है, बट यहां पे प्राइस इसका अभी बढ़ गया, यानी 100 rupees इसका बढ़ गया, यानी 1000 के आसपास इसका प्राइस है, बट इसका प्राइस लगभग आपको 900 rupees के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे अगर आप दोनों स्पीकर में से कोई चूज करना चाहते हो, बस एक चीज़ आपको माइंड में रखना है, आपको साउंड कैसा चाहिए। बेस ज़्यादा अच्छा चाहिए तो आपको पोर्ट्रॉनिक्स लेना चाहिए, अगर आपको बेस थोड़ा सा कम चाहिए लेकिन सभी चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज होना चाहिए तो डेफिनेटली गोज फॉर बोट। ओके, तो आपका सारा कन्फ्यूजन मैं दूर कर दिया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। माइंड में कोई भी क्वेश्चन है दोनों ब्लूटूथ स्पीकर के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और दोनों ब्लूटूथ स्पीकर का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो वहाँ जाकर आप इसे ले सकते हो। मिलते हैं फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।